hereby appoint Shri Girish Chandra Murmu to be the Lieutenant Governor of Jammu Kashmir with effect from the date he assumes charge of his office, given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 25th day of October in the year 2019, 3rd Kartik 1941 Shaka, in the 70th year of the Republic of India, signed Ramnath Kovind, President of India. In Hindi, मैं रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को उस तारीख से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त करता हूं जिस तारीख को वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में आज सन 2019 ईस्वी के अक्टूबर मास के 25वें दिन 3 कार्तिक 1941 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से जारी हस्ताक्षरित रामनाथ कोविंद भारत का राष्ट्रपति। I request Honorable Kumari Justice Gita Mittal, Honorable Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir, to kindly administer the oath of office to Shri Girish Chandra Murmu as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Me, Girish Chandra Murmu, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। With your permission, Honorable Lieutenant Governor, the proceedings.